हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स लास्ट वीडियो तक हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था ह्यूमन बीइंग्स में वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ इस यूनिट में एक और पार्ट है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के हिसाब से तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे अबाउट दिस हेल्थ सो लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 12th दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेल बींग इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन जितने भी एस्पेक्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के उससे रिलेटेड एक पर्सन की वेल well बींग कहलाती है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं रिप्रोडक्शन लेवल पे सोशल एस्पेक्ट बिहेवियरल एस्पेक्ट सोशल एस्पेक्ट बिहेवियरल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट एंड इमोशनल एस्पेक्ट इमोशनल एस्पेक्ट तो ये डब्ल्यू एच ओ ने बोला है कि द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल इमोशनल सोशल बिहेवियरल एंड फिजिकल एस्पेक्ट अब यहां पे जब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम लेते हैं दैट इज फैमिली प्लानिंग अब फैमिली प्लानिंग क्यों होनी चाहिए किस लिए होनी चाहिए इन सारी चीजों को हम आगे भी डील करेंगे बट हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एस्पेक्ट्स हैं कुछ प्रैक्टिस हैं कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो देखे गए हैं कि फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए अब किस लिए करनी चाहिए हम डिस्कस कर रहे हैं टू अवॉइड अनवॉन्टेड बर्थ और टू ब्रिंग अबाउट अनवॉन्टेड बर्थ अनवॉन्टेड बर्थ को अवॉइड करने के लिए अन बर्थ को अवॉइड करने के लिए का क्या मतलब है अनवांटेड बर्थ का मतलब है कि अगर किसी पर्सन के फर्स्ट चाइल्ड होता है और उसके फ्रीक्वेंटली साल के अंदर अंदर या एक साल के जस्ट बाद उसके दूसरा बच्चा भी हो जाता है फिर वो कपल तीसरा बच्चा भी प्लान करता है तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो अनवांटेड नहीं होती बट वो अबॉर्ट भी नहीं कराई जाती तो इसकी वजह से क्या होता है जनसंख्या बढ़ती जाती है पहले ऐसा ही हुआ करता था पहले के जमाने में लोगों के बहुत सारे बच्चे किस लिए हुआ करते थे कि एक के बाद एक के बाद एक फीमेल प्रेग्नेंट होती थी इसका मतलब क्या है कि द गैप बिटवीन द प्रेगनेंसी और द गैस्टेशन और द चिल्ड्रन इज वेरी लेस आइडियली एक बच्चे के बीच में या दो बच्चों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो पांच साल का होना चाहिए आइडियली बट अगर ये बार बार रिपीट होता है तो इसे बहुत सारी चीजें प्रभावित होती मान लीजिए उस परिवार में अर्निंग मेंबर एक है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं तो क्या होगा ना तो बेहतर एजुकेशन दी जाएगी ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाएंगी कुछ भी चीज बेहतर तरीके से नहीं की जा सकती नेक्स्ट इज टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के इंटरवल को रेगुलेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बच्चों के बीच में पांच साल का अंतर होना चाहिए जिससे पहले बच्चे की परवरिश पे कोई फर्क ना पड़े दूसरे बच्चे के पैदा होने से टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली फैमिली में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को डिटरमाइन करना यानी कि ये समझ लेना कि अगर परिवार में बच्चों की संख्या कम होगी दो हम हमारे दो या हम दो हमारे दो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ़ ऑफ़ नंबर चिल्ड्रन इन अ फैमिली आजकल तो ये ट्रेंड है कि एक ही बच्चा करने का ट्रेंड है तो वो सारे ट्रेंड्स क्यों डेवलप हो रहे हैं ये सारे ट्रेंड्स इसलिए डेवलप हो रहे हैं अगर बच्चे कम होंगे तो बच्चों की एजुकेशन अच्छी दी जा सकती है उनके खान पान का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा सकता है अगर वो हायर एजुकेशन के लिए अच्छी जगह जाना चाहे तो वो हर चीज पेरेंट्स उनके लिए वेल प्रिपेयर कर सकें स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बर्थ तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिली में प्रॉपर डिटरमाइंड होने चाहिए कि कितने होंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सारी बात फैमिली पे आ गई अब फैमिली पे जब ये सारी बातें आई तो ये सारी चीजें क्यों डेवलप हुई जब भारत आजाद हुआ था जब हमारा हमें आजादी मिली थी उस वक्त भी हमारी जनसंख्या काफी थी उस चीज को कंट्रोल करने के लिए यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग मेथड या फिर हम कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया So, ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये चलाया गया इन द ईयर 1951 में सो इंडिया द अमंगस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हमारी जो कंट्री थी वो पहली कंट्री थी वर्ल्ड में टू इनिशिएट द एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ गुड एज अ सोशल गोल ोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग इस प्रोग्राम को जो भारत ने शुरू किया जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ फैमिली को कंट्रोल करने के लिए उसको बोला गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एर ध्यान रखना है नाइनटीन फिफ्टी वन में दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट दिस प्लान और प्रोग्राम In 1977, it was changed into Family Welfare Program. 1951 Family Planning Program. Tha. 1977 meam Badal ke family welfare program rakh gaya. To improve the quality of life, people's life and work periodically accessed over the past decades, improved programs.

अब इसमें क्या क्या आता है इसमें सारे रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को ये कवर करता है अब कौन से रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया हम राइट फ्रॉम द बर्थ बर्थ समझे birth हम पढ़ चुके हैं कि एक फीमेल जब बच्चे को जन्म देती है तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं अब एक फीमेल नाइन मंथ गैस्ट्रेशन पीरियड में रहती है यानी कि बच्चा या फीटस जो मदर्स वोम में डेवलप हो रहा है तो उस वक्त एक माँ के साथ एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है फीटस। फीटस उस fetus को भी उतना ही फूड चाहिए जितना एक नॉर्मल फीमेल जो उसकी मां है वो कंज्यूम कर रही है तो यहां पे क्या होता है कि माँ को भी उतना ही फूड प्रॉपर फूड एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए जिससे उस बच्चे का भी जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके इसका मतलब क्या है कि बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए माँ के न्यूट्रिशन को ध्यान में रखा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए चाहिए क्यों क्योंकि अगर माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा अगर मिनरल डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है तो बच्चे में या फीटल स्टेज में मेल फंक्शनिंग हो सकती है उस फीमेल को क्या खाना चाहिए हम ये बात पढ़ चुके हैं ये सारा डिस्कशन भी कर चुके हैं कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है अगर वो केमिकल्स ड्रग्स या लिकर कंज्यूम करती है तो सारा कंजम्पशन करने की वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस के वक्त डिफॉर्मिटीज़ आने के चांसेस होते हैं अब डिफॉर्मिटी से उसको बचाया जाए उसको अवेयर किया जाए तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सारी अवेयरनेस देना कैसा उसको खाना खाना है ये सारी बात बताना किस तरीके का खाना खाना है ये भी बताना ये ऐसा नहीं है कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं ये प्रोटोकॉल केवल उनके लिए है इट इज़ फॉर ऑल द फीमेल्स वू आर प्रेगनेंट ये सभी फीमेल्स के लिए होगा जो प्रेगनेंट होंगी तो ये सारे प्रोटोकॉल्स सभी फीमेल्स के लिए इन कॉमन होंगे इसी के साथ साथ जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय क्या ध्यान रखना कई बार क्या होता है कि जो लोग गाँव में रहते हैं वो दाई से बच्चे पैदा करवा लेते हैं जो वहां की लोकल नर्स होती है और कई बार इन सर्टेन कंडीशन कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे की गर्दन में कई बार पूरा इस तरीके से नेटवर्क बना लेते हैं पूरा का पूरा फैल जाते गले के आसपास पूरा उसको लपेट लेती है तो उस वक्त अगर चाइल्ड बर्थ होता है और वो चाइल्ड बर्थ अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है तो बच्चे की डेथ हो सकती है तो ये सारी चीजें अवेयरनेस प्रोग्राम में आती हैं इसके बाद बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने के बाद उसको कैसा ध्यान रखना है ये भी पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट होगा अब अगर एक कपल के एक बच्चा हो चुका है तो उसको दूसरा बच्चा पाँच साल के बाद में करना है ये भी इसमें कवर किया जाएगा कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट आजकल जो कॉन्सेप्ट है दैट इज हम दो हमारा एक यानी कि अब ये जो नॉर्म्स है ये कपल्स चेंज कर रहे हैं आजकल मोस्ट ऑफ द कपल के केवल एक ही बच्चा होता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो बच्चे को राइट एजुकेशन देना बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना बच्चे को या परिवार में जो लोग हैं या नॉर्मली जो लोग गांव में रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मिसकॉन्सैप्शन डेवलप कर लेते हैं उनको अवेयरनेस देना सेक्स रिलेटेड मिसकॉन्सैप्शन एंड मिस डेवलप करते हैं उनको अवेयरनेस देना कि उनको किस तरीके से अवेयर रहना है जैसे अगर किसी फीमेल अपने मेंसेस पीरियड में है तो उसको प्रॉपरली किस तरीके से पैड यूज़ करना है ये भी बताना क्योंकि गांव में लोग क्लॉथ यूज़ करते हैं और वो क्लॉथ यूज करने के बाद उसको रीयूज करते हैं उसको वॉश करके दे रीयूज इट समाइम्स वो जो रीयूजल क्लॉथ है वो कारण बन जाता है डिजीज का इन्फेक्शन का इन्फ्लेमेशन का इस चीज की अवेयरनेस देना ये सारी जो अवेयरनेस है ये सभी के लिए होंगी आजकल जो अवेयरनेस है वो ये है कि पर्टिकुलर फीमेल को क्या यूज करना है बट किस तरीके से यूज करना है वो बताना यानी कि पूरा का पूरा हम ये बात करेंगे कि इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स भी आएंगे सारी चीजें उनसे भी रिलेटेड डिस्कस की जाएंगी सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इशू इन कॉमन नाउ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम गिव अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करना इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटीज भी बनाई गई हैं शहरों में भी बनी हुई हैं और गांव में भी बनी हुई हैं एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल लोगों को ये बताया जाए कि किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल की जा सकती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स के द्वारा ये दो टाइप के हम पढ़ेंगे परमानेंट और टेम्परेरी मैथड्स Care of pregnant mothers, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर प्रेग्नेंट मदर की केयर नहीं करेंगे तो बच्चे में deformities आने के चांसेस हो सकते हैं पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर बच्चा पैदा होने के बाद भी माँ की केयर करना उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मदर में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है पोस्टमार्टम स्टेज के में अब वीकनेस जो है उसको रिकवर करने के लिए उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए उसको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए ये सारी अवेयरनेस भी आ जाएंगी इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के जस्ट बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं मां के वो एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही बच्चा सक करता है तो निप्पल सकिंग से जो मदर हाइपोथैलमस है वो एक्टिव हो जाता है और वो सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और वो एक्टिव करता है स्ट्यूमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट को और हार्मोन रिलीज होते हैं प्रोलैक्टीन ऑक्सीटोसिन तो ये जो हार्मोन्स होंगे ये क्या करते हैं ये जो हार्मोन्स हैं ये मिल्क लेट डाउन प्रोसेस करवाते हैं और बच्चा माँ का दूध पी पाता है अब जो फ्यू डेज यानी कि आफ्टर द बर्थ कुछ दो से तीन दिन का जो समय होता है उसमें जो मिल्क सिक्रीशन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट कंटेन एंटीबॉडी दैट इज आई जी ए एंड द नेम ऑफ दिल्क इज नोन एज कोलेट्रोल ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो बच्चे में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है तो लोगों को यह अवेयर करना कि भाई माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल मेल और फीमेल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को बताना कि भाई अगर लड़का है या लड़की है तो दोनों समान हैं। उनमें अंतर न करना भी अवेयरनेस का ही हिस्सा है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में बताना अवेयरनेस ऑफ सोशल एविल्स लाइक चाइल्ड अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम छोटे बच्चों में आजकल हर स्कूल में ये एजुकेशन दी जाती है बच्चों को वीडियोस दिखाए जाते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में हर बच्चे को चाहे वो लड़का हो या लड़की हो गुड एंड बैड टच के बारे में इंफॉर्मेशन देना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का तो इसमें चाइल्ड अब्यूज रिलेटेड इश्यूज बच्चों से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिस्कस करना क्योंकि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो डायरेक्टली चीजों को रिलेट नहीं कर पाते तो कॉमिक वीडियोस के थ्रू ये चीजें बताई जाती हैं। एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम के बारे में एडोलसेंट बच्चों को एजुकेट किया जाता है एम एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल अब क्या जरूरत है सेक्स एजुकेशन देने की बच्चों को स्कूल में टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट का मतलब है कि मेल और फीमेल को ये बताया जाए कि वॉट इज द राइट एज उनकी राइट right एज का मतलब ये है कि उनमें गैमेटोजेनेसिस कब हो रहा है गैमेटोजेनेसिस के बाद में उनकी बॉडी में जो बदलाव आ रहे हैं बदलाव में उनके बिहेवियर में जो बदलाव है उसका कारण बताना कारण है हार्मोन तो हार्मोन रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में पीसीओएस पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पॉलिसिस्टिक डेवलपमेंट उसकी वजह से लड़कियों में अक्सर एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बार इरेग्युलर हो जाती है उसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस देना भी इस प्रोग्राम का एक पार्ट है It to avoid sex myths and अब जैसे फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है तो वो फीमेल बेडपिन नहीं सो सकती ये मिथ है मिसकॉन्सेप्शन है एक तरीके का क्यों नहीं सो सकती इट इज द राइट ऑफ द चाइल्ड कि भाई एक तो वैसे ही जब मैं साइकिल रही है किसी भी बच्ची में तो वहां कॉन्ट्रैक्शन है तो वो तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा पेन में है और फिर उसको ये बोलना कि तुम बेड पे नहीं सो सकते तुम्हें तो नीचे सोना पड़ेगा चटाई बिछा के तो ये सारे मिसकॉन्सेप्शन है तो इन सारे मिसकॉन्सेप्शन को खत्म करना भी एक पार्ट है टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एडोलसेंट रिलेटेड चेंज जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं जब बच्चा पैदा होता है पैदा होने के बाद वो पाँच साल का होता है इन्फेंसी पीरियड में रहता है पाँच से और दस से ग्यारह साल उसका चाइल्डहुड में निकल जाता है चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बने होते हैं बट उनमें डेवलपमेंट प्रॉपर धीरे 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 होता है प्रॉपर डेवलपमेंट का मतलब है जब वो दस या ग्यारह साल का होता है तब वो चेंजेस थोड़े थोड़े दिखना शुरू हो जाते हैं तो जो चेंजेस होते हैं बच्चों में तो कई बार बच्चे उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस देना कि भाई ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है ये चीज सबके साथ होती है ये कॉमन चीजें हैं ये बच्चों को बताना टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेफ एंड हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिस एंड एस टी डीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं या हम ये कह सकते हैं जो बच्चे तेरह साल से उन्नीस साल की एज में आते हैं स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उन बच्चों में सेक्शुअल प्रैक्टिस के बारे में उनको बताना एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एस टी डीज के बारे में बताना अब एस टी डीज़ जो हैं दैट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे कॉमन जो हम नाम जानते हैं दैट इज एड्स ए आई डी एस ये होती है एच आई वी वायरस के कारण वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस एंड वट इज़ द फुलॉर्म ऑफ एड्स जो आप नाइन्थ से बढ़ते आ रहे हैं एकवायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम इट इज़ नॉट एन डिजीज़ ये डिजीज़ नहीं है ये सिंड्रोम है एक्चुअली क्या होता है एच आई वी वायरस का जब प्रेजेंस बॉडी में होता है तो इसके कारण बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है और जब इम्यून सिस्टम वीक हो गया जो हमारी बॉडी में हमारी बीमारियों या हमें बचा रहा है बीमारियों से लड़ रहा है वही वीक हो जाता है तो बॉडी वीक होने के कारण छोटे छोटे इन्फेक्शन बॉडी में लंबे समय तक चलते हैं जैसे कोल्ड कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंज़ा लंबे समय तक चल चलेगा निमोनिया अगर हो गया लंबे समय तक चलेगा अगर कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया लंबे समय तक चलेगा कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया बॉडी में लंबे समय तक चलेगा तो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी वीकनिंग के कारण यानी कि वो कमजोर होने के कारण बॉडी इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी जल्दी पकड़ती है अब बच्चों को ये बताना कि इसकी जो रोकथाम कैसे की जा सकती है किस कारण से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है ये सारी चीजें इस प्रोग्राम का पार्ट हैं। इसके साथ साथ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, बच्चों में अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में बताना अगर कोई फीमेल 18 साल से पहले प्रेग्नेंट होती है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे अगर अब हाँ छोटे से हम बात करें कि एक बच्चे में प्यूबर्टल एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेटोजेनेसिस करना शुरू कर देते हैं साथ-साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी आ जाती है बट अगर किसी कारण से एक फीमेल अपनी अर्ली एज में प्रेग्नेंट होती है या फिर वो कुछ ऐसे इशू से पास करती है और वो वहां पे बहुत सारे इश्यूज जैसे हार्मोनल इश्यूज हैं उससे अगर वो गोइंग uh, थ्रू होती है तो उसको कैसे ओवरकम करना है ये सारी बात बताना अब अर्ली प्रेगनेंसी का क्या ड्रॉबैक है रिप्रोडक्टिव बन चुके हैं बट वो उतने मेचोर नहीं है कि वो ढाई से तीन किलो के बच्चे को हैंडल कर सके यूट्रस जरूर प्रेजेंट है नेचुरली जब वो बच्ची फिटल स्टेज में थी उसमें यूट्रस बन गया था जब वो बच्ची प्यूबेटल एज में आई तब भी यूट्रस डेवलप्ड है प्रॉपर है 18 साल के एज में भी यूट्रस प्रॉपर होता है बट वो यूट्रस कैपेबल नहीं होता एक वजन झेलने के इसीलिए अर्ली प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसमें बच्चे को भी खतरा रहता है और उस प्रेगनेंट फीमेल को भी खतरा रहता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल अब ये कुछ डेटास दिए गए हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियंस थी 2000 में 7.2 बिलियंस थी इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2000 में 2000 थाउजेंड ईयर में 1 बिलियन 11 में दैट इज़ 1.21 बिलियन थी अब ये सारे डेटाज में यहाँ क्यों बता रही हूँ रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अब ये सारे डेटा इसलिए बताए गए हैं अगर हम रेशो देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन का और इंडिया पॉपुलेशन का तो इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एक्सप्लोर्ड हो रही है फट रही है लिटरली तो उसको कैसे बचाया जाए कम किया जाए तो उसके लिए हमें कौन से प्रोग्राम्स चलाने चाहिए कौन से मेथड्स, प्रोटोकॉल्स रखने चाहिए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके सो so, यहाँ पे रीज़न क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट से क्या मतलब है जब पहले हम आज़ाद हुए थे और उससे भी अगर हम पहले की बात करें तो डिज़ीज़ को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल था अगर डिजीज बाई चांस डायग्नोज हो गई वैसे तो बहुत बहुत सारी डिजीजेस थी जिनके नाम भी लोगों को पता नहीं थे तो डायग्नोसिस तो बहुत मुश्किल था डायग्नोज होने के बाद उसका प्रॉपर मेडिकेशन यानी कि उसकी प्रॉपर दवाइयाँ अवेलेबल होना मुश्किल था तो अब क्या है अब मेडिकल इंप्रूवमेंट है यानी कि टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है इसका बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोविड की वैक्सीन कोविड आया था 2019 में उसके बाद अगर हम बात करें उसकी जो वैक्सीन है वो लगभग लोगों में लगना शुरू हो गई थी ट्वेंटी में तो जो इम्प्रूवमेंट है मेडिकल टेक्नोलॉजी का वो हमें समझ आ रहा है पहले वैक्सीन बनने में ही चीज़ों की बहुत लंबा समय लग जाता था तो वहाँ पे क्योर या फिर हम कह सकते हैं प्रिकॉशन तो बहुत लंब, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता था बेटर लिविंग कंडीशन लोगों की कंडीशन लिविंग कंडीशन काफी बेहतर हो गई है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट जो डेथ रेट है वो कम हो गई है मोर्टेलिटी रेट जिसको हम बोल रहे हैं आई एम आर एंड एमएमआर एमएमआर इज मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट एंड आई एम आर इज इनफेंट इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इनफेंट का मतलब है जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी मोर्टेलिटी रेट और मेटरनल यानी कि जिसने डिलीवर किया है बे, बेबी उसकी मोर्टैलिटी रेट दोनों ही कम हुई है इनक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज जो रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है अब जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं उनकी जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बढ़ेंगे अब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल यानी कि जो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं है पंद्रह साल से कम उम्र के बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ी अब वो जो पंद्रह साल के बच्चे हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होंगे यानी कि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर बढ़ रहा है तो अगर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का मेल एंड फीमेल ये कॉमन बात की जाती है अगर इनका नंबर बढ़ रहा है तो नेचुरली ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इंपैक्ट क्या है स्कैरसिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा और मकान की कमी तो यहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें आता है फूड शेल्टर एंड क्लॉथ्स इनकी कमी होना एक नेचुरल बात है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है और इतनी पॉपुलेशन में अगर सभी लोगों को दो वक्त का खाना मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा भुखमरी है लोगों के पास रहने को घर और पहनने को कपड़े नहीं है तो सेफ फूड एंड सेफ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कंट्रोल मेजर्स में यहां पे आता है मोटिवेटेड स्मॉल फैमिलीज को मोटिवेट किया जाए कि कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स यूज करें और फैमिलीज को कम रखें जैसे हम दो हमारे दो और आजकल क्या ट्रेंड हो गया है वन चाइल्ड नॉर्म हो गया है यानी कि ज्यादातर कपल एक ही बच्चा करना पसंद करते हैं राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज यानी कि यहाँ पे जो शादी की उम्र है उसको बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे राइट एज ऑफ फीमेल For the marriage is 18 years and the right age of the male is 21 years. तो ये सारी चीजें हम reproductive health में पढ़ेंगे ये है तो मतलब अगर हम इसको बुकिस देखें अगर हम एनसीआरटी के हिसाब से देखें तो ये बहुत छोटा चैप्टर है बस उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक अवेयरनेस में जिसपे क्वेश्चन आते हैं और जो आपको पता होनी चाहिए सो so, नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स के बारे में